गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव वह वर्ड है दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नंबर के बारे में, या फिर उसकी दूसरी टाइप की कोई भी स्पेसिफिक व्यू या फिर कोई भी विशेष नाउन की कोई भी विशेषता बताता है। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या है? गुड। और जो नाउन वर्ड है वो क्या है? बॉय। ही इज इंटेलिजेंट। वह बुद्धिमान है। यहाँ पर ये किसकी विशेषता बता रहा है? वो प्रोनाउन की, कि वह इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इज अ एडजेक्टिव वर्ड इन दिस सेंटेंस। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज एक सुंदर फूल है। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड फ्लावर इज नाउन वर्ड। लीजा वियर्स अ पिंक ड्रेस। लीजा ने एक पिंक ड्रेस पहनी है। पिंक इज अ एडजेक्टिव वर्ड एंड ड्रेस इज अ नाउन वर्ड हेयर। बट समटाइम्स एन एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्ड। लेकिन कई बार जो एडजेक्टिव है वो फॉर्म किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एक वर्ड की अपेक्षा। उसमें कई वर्ड्स होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। सम एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिवल फ्रेज। और इन एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव ना कह के क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। और इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है, नाउन वर्ड से पहले। द वर्ड्स आर जॉइंड विद हाइफन्स। और इन वर्ड्स को हाइफन से जॉइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वेल नोन ऑथर। वह एक प्रसिद्ध लेखक है। यहाँ पर जो वेल नोन है ये टू वर्ड्स हैं और किससे जोड़े गए हैं? हाइफन से। सो दिस इज एडजेक्टिवल फ्रेज। शी इज अ काइंड हार्टेड वूमन। वह एक दयालु हृदय वाली वह औरत है। हेयर काइंड हार्टेड इज एडजेक्टिवल फ्रेज एंड वूमन इज अ नाउन वर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। Now we discuss about the kinds of adjective. There are six main types of adjective. यहाँ पर छः प्रकार के adjectives होते हैं। Adjective of quality, adjective that show the kind or quality of a person or thing. ये वो adjective होते हैं जो किसी person या thing के प्रकार के या फिर उनके गुणों के बारे में बताते हैं। This is called adjective of quality. फॉर एग्जाम्पल, बीरबल वॉज अ वाइज मैन। बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो किसके बारे में बता रहा है? बीरबल के बारे में, कि वह बुद्धिमान आदमी था। तो ये विशेषता बता रहा है। तो वाइज इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नैना हैज़ ए ब्लैक डॉग। नैना के पास एक काला कुत्ता है। हेयर ब्लैक इज क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ डॉग। She is an intelligent girl. वह एक बुद्धिमान लड़की है। जो intelligent है वो किसको qualify कर रहा है? Girl को, कि वह बुद्धिमान लड़की है। Here is intelligent is quality of adjective. This box is heavy. यह box भारी है। Here heavy word is adjective of quality. We better understand this from your book. These adjective describe or express the flowing things. जो adjective of quality है वो इन things के बारे में क्या क्या express करता है या describe करता है, किसके बारे में? Things या person के बारे में क्या describe करता है, ये नीचे दी गई है। Color, उसके color के बारे में, red, blue, green, purple, etc. Shape, round, flat, square, pointed. Size, large, little, tall, thin, wide. Texture, smooth, rough, coarse, etc. Condition, sick,
well, wet, hot, material, cotton, leather, woolen, or silk. Quality, handsome, popular, sweet, strange, hard, soft. उसके गुणों के बारे में, नेशनलिटी के बारे में या फिर ओरिजिन के बारे में कि वो किस मूल का है, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडियन. ये किसी वस्तु के कलर के बारे में भी बता सकता है, शेप के, साइज के, टेक्सचर के, कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी, नेशनलिटी एंड ओरिजिन. ऑल दिस काइंड्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी जो मात्रा होती है, किसी अमाउंट के बारे में बताती है. द एडजेक्टिव्स दैट टेल अस द अमाउंट ऑफ द नाउन, जो नाउन के या संज्ञा की अमाउंट के बारे में बताए, वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक सम नोटबुक्स, मैंने कुछ नोटबुक्स ली. हेयर सम वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये नोटबुक्स की अमाउंट के बारे में बता रहा है कि कितनी है, वो कितनी है, सम, कुछ. सैम हैज लिटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग, सैम का ड्राइंग में कम इंटरेस्ट है. यहाँ पर अमाउंट किसकी बताई गई है, इंटरेस्ट की, यानी कि उसकी कम रुचि है. सो लिटल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टूडे, बहुत सारे विद्यार्थी आज उपस्थित हैं. यहाँ पर जो अमाउंट बताई गई है वो किसकी बताई गई है, स्टूडेंट्स की. सो मैनी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. यहाँ पर अमाउंट किसकी है, टाइम की. मच, मच इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नंबरल एडजेक्टिव. नंबर, संख्या वाले एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बताते हैं नाउन की. दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नंबर और द ऑर्डर ऑफ नाउन्स. ये एडजेक्टिव या तो नाउन्स की संख्या के बारे में बताते हैं या फिर उनके ऑर्डर के बारे में, कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी कि पोजीशन के बारे में. दैट फॉलोज देम, जिन ऑर्डर्स को वो फॉलो करता है उनके अकॉर्डिंग. दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नंबरल्स एडजेक्टिव्स को. द फर्स्ट काइंड इज डेफिनेट नंबरल्स, इट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑर्डर ऑफ अ नाउन. ये डिनोट्स करते हैं, बताते हैं किसी एग्जैक्ट नंबर को या फिर ऑर्डर को, किसके, नाउन के. नाउन के या तो ऑर्डर के एग्जैक्ट ऑर्डर को बताते हैं या फिर नंबर को. 1, 2, 60 आल्सो नोन एज कार्डिनल्स. अगर ये इस टाइप के नंबर आते हैं 1, 2, 60, दिस कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स. वी डू इट इन द डिटरमिनर्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, शी वोन द फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग, उसने गायन में पहला प्राइज जीता. यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ अ नाउन है, उसके जिसके द्वारा वो फॉलो किया गया सिंगिंग में, एक ऑर्डर है उसमें, उसने फर्स्ट प्राइज जीता है. तो फर्स्ट इज अ ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव. इन फिफ्थ रो देर आर ओनली 5 बॉयज, पांचवी रो में केवल 5 लड़के हैं. हेयर फिफ्थ इज अ डेफिनेट नंबरल, सॉरी, फिफ्थ इज ऑर्डिनल डेफिनेट नंबरल एंड 5 इज अ कार्डिनल डेफिनेट नंबरल. द नेक्स्ट टाइप इज इनडेफिनेट नंबरल्स, अनिश्चित संख्यावाचक. इट डज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, ये पूरे एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते. एग्जाम्पल, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियाँ. सेवरल बॉयज, कुछ लड़के. फ्यू गर्ल्स कम टू द स्टेज, कुछ लड़कियाँ स्टेज पर आई. उसने एग्जैक्ट पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि कितनी आई, उसने कहा फ्यू, कुछ. सो दैट दिस इज इनडेफिनेट नंबरल्स. शी हैज़ अ लिटल नॉलेज, उसकी बहुत कम नॉलेज है. यहाँ पर ये बता रहा है इनडेफिनेट, यानी कि निश्चित नहीं है कि कितनी है, लेकिन लिटल है. सो लिटल इज अ इनडेफिनेट नंबरल्स हियर. डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल्स
इट रेफर्स टू इंडिविजुअल नाउन्स विद इन द होल अमाउंट. ये पूरी अमाउंट में किसी इंडिविजुअल नाउन्स को रेफर करते हैं, दर्शाते हैं पूरी अमाउंट्स में से किसी वन को. फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में भी पढ़े थे, लेकिन ये यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में. ईच बॉयज वॉज गिविंग अ चॉकलेट, प्रत्येक लड़के को एक चॉकलेट दी गई थी. हेयर बोथ बोथ ऑफ देम आर इन द रूम, वो दोनों कमरे में हैं. एवरी नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, प्रत्येक राष्ट्र को अपने संस्कृति पर गर्व होता है. इन दिस सेंटेंस ईच बोथ एंड एवरी इज डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल्स. नोट द नंबरल्स एडजेक्टिव आल्सो फंक्शंस एज क्वांटिफायर्स. कई बार जो नंबरल्स एडजेक्टिव है वो क्वांटिफायर्स का भी के रूप में भी वर्क करते हैं. जहाँ पर संख्या की बात होगी वो क्या होगा, नंबरल होगा, लेकिन जहाँ पर क्वांटिफाई के लिए यूज़ होते हैं, अमाउंट के लिए यूज़ होंगे, तो वहाँ पर ये कौन से एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन बोथ काइंड्स. द नेक्स्ट काइंड इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत, जो संकेत करते हैं किसी वस्तु की तरफ. द एडजेक्टिव्स विच पॉइंट टू द एग्जैक्ट नाउन, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी एग्जैक्ट नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उसको संकेत करते हैं. वी विश टू रेफर, जिन्हें हम रेफर करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं. दैट इज दिस, दैट, दोस, दीज. वी क्लियर दिस फ्रॉम दिस टेबल, सिंगुलर, प्लूरल. नियर के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, दिस. अगर कोई वस्तु हमारे पास है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का. लेकिन जब वस्तुएं बहुत सारी होती हैं तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए, और वो हमारे पास भी होती हैं वस्तुएं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का. दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस, दिस बैग, दिस बैग्स. एट ए डिस्टेंस, जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है उसके लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का. और दैट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दोज. जब बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उनको हमने पॉइंट आउट करना है लेकिन हमसे दूर होती हैं, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज. दोज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट, दैट फ्लावर, दैट फ्लावर्स. आई थिंक दिस इज क्लियर. एग्जाम्पल्स, दिस गर्ल इज गुड, यह लड़की अच्छी है. दैट पेन इज न्यू, वह पेन नया है. ये सब तीनों ही पॉइंट आउट कर रहे कि दिस, दैट, दिस, दिस शर्ट्स आर वाइट, ये शर्ट्स सफेद हैं. इन दिस सेंटेंस दिस, दैट एंड दिस इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक. जो पर्सन पूछते हैं, व्हाट, विच, हूज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ये तीनों ही वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन, जब इनका यूज हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, हूज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है. विच रूम ऑफ हर्स, उसका कमरा कौन सा है. व्हाट कलर्स इज योर बैग, आपके बैग का क्या रंग है. हेयर हूज, विच एंड व्हाट इज यूज्ड विद बुक, रूम, कलर्स. बुक, रूम, कलर्स इज नाउन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स. सो दिस इज हूज, विच, व्हाट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. द नेक्स्ट काइंड इज पजेसिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स दैट शोज पजेसन इज कॉल्ड पजेसिव. जब हम किसी पजेसिव यानी कि अपने हक के बारे में बोलते हैं किसी वस्तु पे या थिंक पे, हम अपना पजेस करते हैं, अपना हक दर्शाते हैं. दर्शाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स. माई, योर, हीज, हर, इट्स, अवर, देयर आर पजेसिव एडजेक्टिव्स. ये सभी क्या हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट प्रिपेयर अवर प्रोजेक्ट, हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए. हेयर अवर प्रोजेक्ट, यानि कि उस पर पूरा पोजेस है, किनका,
वी का, तो ये पजेसिव के रूप में यूज हुए हैं। तो अवर प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। माय कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, उसका नहीं, मेरा कंप्यूटर। इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। हेयर माय कंप्यूटर इज पजेसिव एडजेक्टिव। योर साइकिल हैज़ बिन स्टोलन यस्टरडे, तुम्हारी साइकिल कल चोरी हो गई है। योर साइकिल नॉट आई माय, हेयर योर साइकिल इज पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसको पजेसन को बता रहा है, किसके पजेसन को, दूसरे बंदे के, योर साइकिल। वी क्लियर दिस फ्रॉम दिस टेबल। नॉमिनेटिव केस हमारा एंड पजेसिव एडजेक्टिव। आई, आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है, माय। अगर हम जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया है वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया था, वी का, अगर हम यहाँ पर आई का यूज़ करते हैं, आई मस्ट प्रिपेयर, तो यहाँ पर हम अवर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है, वो चेंज हो गया। और अगर हम यहाँ इस वाले सेंटेंस में आई का यूज़ करते हैं तो अवर की जगह हमने किसका यूज़ करना पड़ेगा, माई का, क्योंकि आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, माई। दिस इज क्लियर। वी, अवर प्लस नाउन, यानि कि एडजेक्टिव वही होंगे जहाँ पर इन वर्ड्स के साथ हम नाउन का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर नाउन का यूज़ नहीं होता इन वर्ड्स के साथ तो ये एडजेक्टिव्स नहीं होते। लुक एट द अबव एग्जाम्पल्स, यहाँ पर अवर प्लस नाउन है, माई प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, तभी ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर ये बिना नाउन के या नाउन के साथ यूज़ नहीं होते तो ये एडजेक्टिव नहीं होंगे। ही, हीज प्लस नाउन, शी, हर प्लस नाउन, इट, इट्स प्लस नाउन, दे, देयर प्लस नाउन, वन, वंस प्लस नाउन। ओनली वन ही एक ऐसा नॉमिनेटिव केस है जिसके साथ हम अपोस्ट्रेफ का यूज करते हैं ऊपर, वन, वंस। After completing the kinds of adjective, we do some exercise. Classroom assignment 45, part A. Underline the adjective in the following sentence. In the given, in the box given against each. प्रत्येक के सामने एक box दिया गया है. Write as if the adjective is single. अगर adjective हमारा single word है तो हमने क्या write करना है? S. And P if the adjective is a phrase. अगर एडजेक्टिव हमारी फ्रेज है, फ्रेज में हमारा सिंगल वर्ड ना हो के कई वर्ड्स होते हैं इसमें, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, सर्कल द नाउन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। सर्कल द नाउन इट क्वालिफाइज, और उस नाउन को भी हमने सर्कल करना जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट इज डन। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, इंडिया एक प्राचीन देश है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या है, एंशिएंट, और नाउन वर्ड क्या है हमारा, कंट्री। सिंगल वर्ड है तो हम बॉक्स में क्या राइट करेंगे, एस। इंडिया हैज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू लॉन्च सैटेलाइट्स। इंडिया के पास, यानि कि भारत के पास सैटेलाइट प्रेक्षित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मीन्स क्या है, नई तकनीक या अत्याधुनिक तकनीक हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये सिंगल वर्ड ना हो के क्या है, एक फ्रेज है, कई वर्ड्स यूज हुए हैं, और ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, तकनीक को। सो वी पुट पी हेयर एंड सर्कल टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट, शी इज़ अ तमिल टीचर, वह एक तमिल अध्यापक है। जो तमिल है वो क्या है, ओरिजन है। ये कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो ओरिजन को बताते हैं, तमिल एडजेक्टिव। और हमारा जो नाउन है जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं वो क्या है, टीचर। सो वी सर्कल टीचर एंड पुट
एस एयर, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो क्या है, एक सिंगल वर्ड है. नो वन विल ईट द लेफ्ट ओवर फूड, कोई भी छोड़े हुए भोजन को नहीं खाएगा. लेफ्ट ओवर, यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर है वो क्या हमारा एडजेक्टिव है, और जो नाउन वर्ड है वो क्या हमारा फूड, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है. लेफ्ट ओवर टू वर्ड्स हैं, तो वी पुट पी हेयर फ्रेज, पुट पी फॉर फ्रेजल. रोमा इज ए सिंसियर स्टूडेंट्स, रोमा एक सिंसियर स्टूडेंट्स है, तो सिंसियर यहाँ पर क्या होगा एडजेक्टिव, एंड स्टूडेंट्स इज नाउन, सिंगल वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, तो वी पुट एस फॉर सिंगल वर्ड. माई फादर गिफ्टेड मी ए लेदर बाउंड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, मेरे पापा ने मुझे लेदर से, जिसकी बाउंडेशन किससे हुई है, लेदर से एक डिक्शनरी मेरे को गिफ्ट की है इंग्लिश की. तो यहाँ पर लेदर बाउंड ये क्या हमारा एडजेक्टिव वर्ड, और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, डिक्शनरी को. वी पुट द सर्कल ऑन डिक्शनरी एंड राइट पी हेयर बिकॉज एडजेक्टिव इज द फ्रेज. शी हैज गोन ऑन ए वर्ल्ड टूर, वह एक वर्ल्ड टूर पे गई है, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो क्या हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, और क्वालिफाई ये किसको कर रहा है, टूर को. तो वी पुट सर्कल ऑन टूर एंड राइट एज फोर एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव इज अ सिंगल वर्ड हेयर. द फर्स्ट इज डन. वेल स्टूडेंट्स, डू बी सी डी एंड ई पार्ट योर सेल्फ, एंड द आंसर की विल बी सेंड लेटर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे बनते हैं उसकी फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. सम एडजेक्टिव्स अकर इंडिपेंडेंटली, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, स्वतंत्र होते हैं. लाइक अ ह्यूज मैंशन, एक विशाल महल. अ वाइल्ड फ्लावर, एक जंगली फूल. यहाँ पर वाइल्ड और ह्यूज ये इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, यानी कि कहीं भी यूज हो ये ऐसे ही यूज होंगे. सम एडजेक्टिव्स आर डिराइव फ्रॉम अदर वर्ड्स लाइक नाउन, वर्ब्स एंड ऑफन एडजेक्टिव्स. कई बार जो एडजेक्टिव है वो कहाँ से लिए जाते हैं, नाउन वर्ड से, वर्ब्स से, या फिर एडजेक्टिव से, जैसे कि ह्यूज है या फिर वाइल्ड है. लुक एट द एग्जाम्पल्स, जैसे क्रेज, क्रेज क्या हमारा एक नाउन वर्ड है. अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाते तो हम क्या राइट करेंगे, क्रेजियस. क्वेल वर्ब है, क्वेल को अगर हमने एडजेक्टिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, क्वेलसम. साहस, साहसी. क्वेल यानि कि झगड़ा, वर्ब है झगड़ा करना, क्वेलसम का क्या हो जाएगा, झगड़ालू. पिंक ये क्या हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, हम इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्या एक और हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो क्या बनेगा, पिंकिश यानि कि गुलाबी रंग जैसा. इन ऑर्डर टू ड्राइव एडजेक्टिव फ्रॉम अदर वर्ड्स वी हैव एड टू सफिक्स और प्रीफिक्स टू नाउन, वर्ब और इवन अदर एडजेक्टिव्स. कई बार जो एडजेक्टिव जो दूसरे वर्ड्स से लिए जाते हैं उनके आगे हम या तो स्पिक्स को ऐड करते हैं या फिर प्रीफिक्स को, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा उपसर्ग और परते के बारे में, जो किसी ओरिजिन जो वर्ड है उससे जो स्पिक्स है वो उससे पहले ऐड किए, पीछे ऐड किए जाते हैं, और प्रीफिक्स पहले ऐड किए जाते हैं. टू नाउन, वर्ब्स और इवन अदर एडजेक्टिव्स या फिर दूसरे एडजेक्टिव्स के साथ बाय एडिंग सम प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स को हम ऐड करके कुछ वर्ड्स के आगे सम नेगेटिव एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड. कुछ प्रीफिक्स के ऐड होने से कुछ नेगेटिव एडजेक्टिव हमारे बन जाते हैं. नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो किसके हैं, सफिक्स के, जो किसी वर्ड के पीछे ऐड होते हैं. जैसे चाइल्ड, इसके पीछे हमने क्या सफिक्स ऐड किया, आई एस एच, इश. चाइल्ड, चाइल्डिस. क्लैक,
कलेक्ट के साथ आई वी का यूज किया, ई कलेक्टिव, कंफर्ट एबल, कंफर्ट एबल, ब्यूटी फुल, ब्यूटी फुल, एक्ट ई एक्टिव. नाउ वी रीड अबाउट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जो सेंटेंस के पहले ऐड होते हैं, जैसे सेटिस्फाइड, हमने इसमें किसको ऐड किया, प्रीफिक्स डिस को, तो क्या बन गया हमारा, डिससेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड क्या होता है, संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, लीगल इलीगल. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रीड मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक अबाउट सफिक्स एंड प्रीफिक्स. नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, कुछ नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में आ जाते हैं. समटाइम्स वी यूज अ नाउन और अ स्ट्रिंग ऑफ नाउन्स टू डिस्क्राइब अनदर नाउन. कई बार हम दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन का यूज करते हैं, नाउन वर्ड का. इन दैट केस, और इस केस में, द फर्स्ट नाउन और सेट ऑफ नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. तो जो पहले नाउन आते हैं, जो दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव. लेकिन होते क्या है, वो हमारे नाउन. फॉर एग्जाम्पल, नाउन एज एडजेक्टिव, और यहाँ पे नाउन दिया गया फुटबॉल मैच. यहाँ पर जो फुटबॉल है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मैच को, यानी कि कैसा मैच है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है. तो जो फुटबॉल है वो डिस्क्राइब कर रहा है मैच को. सो दिस इज नाउन वर्ड, लेकिन एक्ट ये कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह. तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन एज एडजेक्टिव. क्रिकेट बैट, कार रेस, बाथ रूम, गेस्ट रूम, बोट रेस. आई थिंक दिस इज क्लियर. द नाउन एज एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड यूजुअली सिंगुलर. जो नाउन एज एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, सिंगुलर, एक वचन में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे वी सा फुटबॉल मैच, कल हमने एक फुटबॉल मैच देखा. द गेस्ट हाउस इज एम्प्टी, गेस्ट हाउस खाली है. पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव, कुछ पास्ट या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं जो एडजेक्टिव के वर्क के रूप में वर्क करते हैं. सम पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स इन आइदर द प्रेजेंट और द पास्ट फॉर्म. कई बार कुछ पार्टिसिपल्स प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के रूप में वर्क करते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी के साथ कोई वर्ड यूज करें तो वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन. और कई बार इस फॉर्म का यूज किसी थिंग को या फिर पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. जैसे शी हैज ए रनिंग नोज, डिड यू हियर अबाउट द शॉकिंग न्यूज. इन दिस सेंटेंस रनिंग नोज एंड द शॉकिंग न्यूज इज प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव. सो दिस वर्ड्स इज एडजेक्टिव, रनिंग एंड शॉकिंग. द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी. पार्टिसिपल क्या होते हैं, कोई भी वर्ब की फॉर्म और उसके साथ ईडी लगा हुआ है वो क्या होते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपल. और द थर्ड वर्ब, या फिर ये थर्ड वर्ब होती है फ्रॉम विद इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर वर्ब जिसके साथ ईडी नहीं लगता वो इरेगुलर वर्ब, लाइक बीटन. इज यूज्ड इज टू डिस्क्राइब हाउ पीपल फील अबाउट समथिंग और समवन, कि लोग किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में कैसा फील करते हैं उसके लिए इनका यूज किया जाता है. लुक एट द एग्जाम्पल्स, द थर्ड ट्रैवलर सेट डाउन टू रेस्ट. जो टायर्ड ट्रैवलर है, थका हुआ जो यात्री है, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया. जो टायर्ड वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ट्रैवलर को, कि वो कैसा है, थका हुआ. द रोटन एप्पल स्मेल्ट बैड, जो सड़ा हुआ एप्पल है उससे गंदी बदबू आ रही है. द रूम स्मेल्स ऑफ रोटन एग्स, और रूम से कैसी बदबू आ रही है, सड़े हुए अंडों की. दीज वर्ड्स इज पार्ट पार्टिसिपल बट इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव. सो दिस इज एडजेक्टिव, टायर्ड, रोटन,
rotten. Well, students, that's all for today's session. Your today's work is to do classroom assignment 45 and classroom assignment 46. This is your today's work. Thank you.